गुरुवार की सुबह महाराष्ट्र के कोंकण तट पर यानी रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर समुद्री तट पर एक संदिग्ध बोट दिखाई दी, तूफान में बहकर यहां पर आई, ऐसा यहां के गांव वालों को लगा। और कुछ मछुआरे और कुछ रेस्क्यू ग्रुप के लोग इस बोट पर, जो कि समुद्र में अंदर थी, तब लहरें बहुत ऊंची ऊंची थी, ऐसे वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर ये मछुआरे और कुछ रेस्क्यू ग्रुप के लोग इस बोट पर पहुंचे। और जैसे ही वो बोट में पहुंचे, ये सोचकर कि अगर कोई अंदर है तो उसे बचाया जाए, समुद्री तूफान में ये बोट जिस प्रकार से लहरों में बीच में फंसी हुई थी, जान जोखिम में डालकर जब ये लोग उस बोट पे चढ़ गए और अंदर जो देखा, एक बड़ा सा बॉक्स था, बॉक्स में क्या है ये जब उन्होंने देखा तो पाया कि उसके अंदर 3 AK-47 और बंदूक की गोलियां हैं। 3 AK-47 और बंदूक की गोलियां दिखने के बाद जो माथा ठनका लोगों का, उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला की और फिर सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने काम किया है। आज शुक्रवार है, आप देख सकते हैं कि फिर एक बार यहां पर पुलिस बड़ी संख्या में है, ATS के अधिकारी है, कोस्ट गार्ड है और स्थानिक लोग भी है। जो व्यक्ति सबसे पहले इस बोट पर पहुंचा, उसके साथ जो सालुंग के रेस्क्यू टीम भी पहुंची, इनकी खुद की रेस्क्यू टीम है, उनसे बात करते हैं। सचिन, आप क्या कहेंगे? जब हम बोट में गए और हमको बॉक्स में जो AK-47 दिख रहा है तो हमको घबराहट हो गई, तो हमने पुलिस को फ़ोन किया, इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा है, तो पुलिस पहुंची और उसके बाद सब अलर्ट हो गए, प्रशासन अलर्ट हो गया और SP साहब भी अलर्ट है कि किनारे पे 26/11 का जो हमला हुआ है और सेकड़ी गांव में जैसा ये उतरा था बॉम्ब स्पोर्ट, गोला बारूद, तो ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ है क्या, तो ऐसे हमको घबराहट लग रही है। अच्छा, ये बताइए कि आज क्या हो रहा है? आज हम सब निकल रहे हैं और कुछ बंदूक और क्या, कुछ बुलेट्स कुछ है क्या, हम सब छानबीन कर रहे हैं। हम किसे छानबीन हो रही है? हाँ, छानबीन हो रहे हैं, हमारे DSP साहब जो है, स्वामी साहब, वो खब खुद है वहाँ पे, हम लोग सब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर है, कोस्ट गार्ड है, रायगढ़ पुलिस है, ATS के अधिकारी है। और अब इस जो बोट है, जो कि ऑस्ट्रेलियन कपल जो यूरोप से ओमान या ओमान से यूरोप की ओर सफ़र कर रहा था, उन्होंने जब ये कंफर्मेशन दिया, उन्होंने जब पुष्टि की कि हाँ ये उन्हीं की बोट है, वो तूफान में फंस गए थे और उन्हीं के 3 AK-47 है, उनके पास उसके सारे दस्तावेज है, ये कंफर्मेशन करने के बाद आज कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन अभी भी जो है वो पुलिस यहाँ पर तैनात किए हुए है, ATS के अधिकारी है और सब जुटे हुए है कि कहीं इस बोट में कुछ और पाया जाता है या नहीं, और इसीलिए इस बोट का सारा सामान अंदर का निकाला जा रहा है। और जब ये जो ऑस्ट्रेलियन दंपत्ति है, ऑस्ट्रेलियन जो कपल है, उन्होंने इसके ऊपर हक जताने के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया करके ये उनके हवाले कर दिया जाएगा। कैमरा गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, हरिहरेश्वर, रायगढ़, आज तक।